एपीसीए जब हुआ पाकिस्तान में, इफ यू रिकॉल, हमारे 100 से ज्यादा मासूम बच्चे शहीद हो गए, वो भी शहीद है टेररिज्म टेररिस्ट एक्टिविटी की वजह से। तो बड़ी सीरियस मीटिंग्स हुई, वी इनवाइटेड एवरीबॉडी, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस द बोर्ड, रिजॉल्व के इसको इसके अगेंस्ट हमने जंग करनी है। एक नेशनल एक्शन प्लान बना, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में मुझे पूछा गया कि इट्स एक्सपेंसिव अफेयर डार साहब, वुड यू फाइनेंस अस, आपको 100 बिलियन रुपीज पर है ना एटलीस्ट 2 ईयर्स। मैंने कहा कि पीस फॉर एवरी पाकिस्तानी शुड बी अवर प्रायोरिटी, सेफ्टी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, द वे इट्स गोइंग ऑन वी कैन नॉट अफोर्ड इट टू कंटिन्यू। मैंने कहा जी जो होगा आई undertake that in the National Security Committee, headed by the Nawaz Sharif and all the military leadership and the civil leadership. हमने उसको शुरू किया, आपको याद होगा नाम लिया एक भाई ने, Zarb-e-Azam in the northern area of Pakistan. उसके बाद हमने वो वहां से भागे, अब neighboring country Afghanistan, within Pakistan, we chased them and we had second round of Radul Fasad within the country. We had क्लीन अप ऑपरेशन इन द सिटी ऑफ रोशनी, जैसे कहते हैं कराची, जो कि 8 बजे के बाद बंद हो जाता था उस जमाने में। व्हाट वेयर वी रीच्ड इन 3 ईयर्स, इट वाज नॉट 2 ईयर्स अफेयर, आई हैड टू फाइनेंस द फाइनेंस मिनिस्टर 4 ईयर्स, इट वाज अ बिग बिग कॉस्ट। हमने किसी से कोई कास्ट नहीं लेके गए कि हमें मदद करें, भाई आप ये तो आप